10 मई को एक डेलाइट डिकॉयटी हुई थी मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में पांडव नगर में। तो उस टाइम की जो आई मीन एफ आई आर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 व्यक्ति अंदर गए थे और जिसमें एक टर्बन था, सिख जेंटलमैन जैसा अपेयरेंस दे रहा था और बाकी 2 तीनों के हाथ में हथियार थे और उन्होंने वहाँ पर गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कैश वगैरह ले गए थे। तो एक डेलाइट एक सेंसेशनल डिकॉर्टी थी। तो उस इंफॉर्मेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन आई डेट ऐसा एक गैंग है करावल नगर के एरिया में जो ऑपरेट करता है। उस इंफॉर्मेशन पे हमने डेवलप किया और कल शाम को हमने 3 लड़के पकड़े हैं। एक का नाम है राहुल है, दूसरे का नाम सतीश है, संजू है, तीसरे का नाम महेंद्र है और एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी उनसे रिकवर की है। तो उनसे पूछताछ से पता चला दैट ये जो बजाज पल्सर मोटरसाइकिल है ये उस मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में जो डकैती हुई थी उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इनसे कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हमने रिकवर किए थे जो उस आई मीन उस मुथूट के यहाँ से लूट हुई थी। और जो एक गाड़ी भी इस्तेमाल हुई थी इसमें वैगन आर गाड़ी, तो वो भी हमने सीज कर लिया है। आगे पूछताछ से पता चला है दैट ये जो हमने जो 3 लड़के पकड़े हैं इसमें से 2 लड़के हैं, एक तो है उसका नाम है राहुल और महेंद्र और बाकी और 4 लोग इसमें शामिल थे। इसमें एक का नाम है सतपाल सिंह एलियस राज है, दूसरे का नाम है राजकिशोर एलियस कैप्टन, तीसरे का नाम है प्रदीप तिवारी एलियस विनी और चौथे का नाम है रोहतास। इन्होंने मिल के प्लानिंग की, पहले इन्होंने रेकी वगैरह की और 10 तारीख को इन्होंने जो एक ऑक्ट्रॉय चेक पोस्ट है वहाँ पर असेंबल हुआ। तो 4 तो आए गाड़ी में, जो विनीत तिवारी की गाड़ी में आए और 2 आए मोटरसाइकिल में और करीब 1:15 बजे के आसपास इन्होंने 3 उसमें अंदर गए। जो सतपाल था वो एक्चुअली वो सिख नहीं है, उसने गाड़ी रखी हुई थी तो उसने टर्बन पहना हुआ था और बाकी जो महेंद्र अंदर गया था और तीसरा जो वो गया था वॉज राजकिशोर एलियस कैप्टन। तीनों गए और तीनों बंदूक के नोक पे इन्होंने वहाँ से लूटपाट करके ये निकल गए हैं। तो हमने कुछ पार्ट जो लूटेड प्रॉपर्टी थी वो रिकवर कर दिया है और जो हमने 3 लड़के पकड़े थे उनमें से एक कंट्री मेड पिस्टल मिला है और 2 उनसे चाकू मिले हैं। फर्दर इंटरोगेशन से पता चला है इनके दैट जो सतपाल उसका एक साथी के साथ में निज़ाम के साथ में एक 31 जनवरी को एक पीएस मानसरोवर पार्क में एक रॉबरी का मर्डर हुआ था तो उसमें भी ये इन्वॉल्व है। उसमें एक विनोद नाम की एक व्यक्ति को इन्होंने गोली मार दी थी और उससे 10 लाख छीन के ले गए थे। सर उस दिन बताया जा रहा था उस वारदात में करीब 2.5 करोड़ से ऊपर का सोना था और करीब 3-3.5 लाख रुपए कैश था। तो अभी कितनी रिकवरी हुई है उस गोल्ड में से? नहीं, रिकवरी तो गोल्ड में से हुई है अराउंड 3-4 लाख की रिकवरी हुई है एंड कैश वाज अराउंड 1.5 लाख जो गया हुआ था। इनमें से 4 और भागे हुए हैं, उम्मीद है जब ये हाथ आ जाएंगे तो इनसे और रिकवरी। सर इन तीनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई वो बताइए? ये न्यू कोंडली ब्रिज के पास से हुई है और ये न्यू अशोक नगर का एरिया पड़ता है। तो कल हुई है इसमें जो गोल्ड वो हमने सीज कर लिया है उसको। वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं? उनको नॉलेज में तो नहीं है ना दैट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। गोल्ड जमा करते हैं, खाली गोल्ड लेते हैं और अपने रजिस्टर में एंट्री करके रख लेते हैं, ये नहीं पूछते हैं आप पुराने आप कहाँ से लेके आए हो। सर 10 तारीख के बाद अब तो सर गार्ड तैनात कर दिया उन्होंने।